ये जो चीज़ है वीज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इसको काफ़ी सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं। इसी रीज़न से दो इंडियंस लोगों का थाईलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था रिसेंटली और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। चैनल थाईलैंड का पूरा सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों ने बैंकॉक हॉल वीडियो भी देखा रहेगा। नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। दूसरी चीज़, अगर आपने थाईलैंड का पूरा सीरीज़ नहीं देखा है तो वो भी अभी जाके देखिए ये वीडियो देखने से पहले। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ आई बटन पे। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स आए कि कैसे प्लान करना है, बजट क्या होना चाहिए, आप कैसे गए थे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू या फिर खुद से गए थे, और वॉन्डरिंग माइंड्स के इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे DM आए। बाय द वे, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, अब भी जाके फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग खुद से गए थे थाईलैंड, हम लोग किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं गए थे। अगर आपको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंडियन फूड ही चाहिए या फिर मुझे वेज फूड ही खाना पसंद है, तो आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाइए क्योंकि वो सॉर्टेड होता है, वो बहुत ईजी होता है, स्पेशली जिनका एज थोड़ा बड़ा है, 40s या 50s को क्रॉस कर चुके हैं। दूसरा, अगर आप यंग हो और आपका फूड जो है वो कंस्टेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंट टाइप के फूड खाने के लिए भी आप ओपन हो, पसंद करते हो आप एक्सप्लोर करना ये सारी चीज़ें, तो आप डेफिनेटली खुद से जाइए क्योंकि वहाँ के लोग सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। किधर भी आप जाओगे तो आपको स्मेल आता है सी फूड का। वेजिटेरियन लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इंडियन फूड जो है वो बहुत महंगा है कंपैरेटिवली उनके थाई फूड से। सो ये पॉइंट मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर हो जाता है कि मुझे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाना है या फिर खुद से प्लान करके जाना है। अगर आप खुद से जा रहे हो, आपको 3 से 4 महीने पहले इसका प्लानिंग करना है। जो ये पूरा ट्रिप है वो काफ़ी बजट में होगा। अगर आप एंड मोमेंट पे करोगे तो सारी चीज़ें महंगी होती जाएगी। बैंकॉक के जो फ्लाइट टिकट्स है काफ़ी चीपर होते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त मंथ और अगर आप नवंबर में जाने का प्लान कर रहे हो तो बैंकॉक टू मुंबई राउंड ट्रिप आपको अराउंड 15,000 के आसपास हो जाएगा। फ्लाइट टिकट बुक करते टाइम एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको चेक करना है लगेज कितना अलाउ कर रही है वो एयरलाइंस, प्रिसाइज वो वेट होना चाहिए। उससे अगर आपका 100 ग्राम भी ज़्यादा है तो वो लोग अलाउ नहीं करते, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग। बेस्ट सीजन कौन सा है यहाँ पे जाने का? एक्चुअल में थाईलैंड आप कभी भी जा सकते हो, बट हम जब गए थे तो बारिश का सीज़न था, तो थोड़ा बारिश था वहाँ पे। ये आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा क्योंकि ऑफ सीज़न होता है। डेफिनेटली नवंबर के बाद प्लान कीजिए, वेदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि सी वॉकिंग है, स्नॉकलिंग है या फिर स्कूबा डाइविंग है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको उस पीरियड में, यानी कि नवंबर से लेके फेब्रुआरी तक, आपको काफ़ी क्लीन वाटर मिलेगा। जब हम गए थे तो इतना क्लीन नहीं था बिकॉज बारिश कॉन्स्टेंटली गिर रहा था। हर टाइप के होटल्स मिल जाएंगे, हर टाइप के हॉस्टल्स मिल जाएंगे और एयरबीएनबीज भी काफ़ी सारे सस्ते हैं। हॉस्टल जो है वो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर फ्रेंड्स के ग्रुप में जा रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। 500 से लेके 1200 तक के पर बेड के हिसाब से हॉस्टल्स हैं वहाँ पे। फैमिली के साथ जा रहे हो, 2-3 कपल्स हो आप लोग, तो एयरबीएनबी प्रेफर कीजिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एयरबीएनबीज आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। 3,500 में हमें 4 लोगों के लिए पर डे के हिसाब से एयरबीएनबी मिला था, जिसमें सारी चीजें थी, वॉशिंग मशीन से लेके गैस से लेके सारी चीजें थी वहां पे। तो वहाँ पे आप कुक भी कर सकते हो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो। होटल जो है वहाँ पे होटल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे 1200 से लेके 10,000 के रेंज तक है। मेनली अगर आप हनीमून के लिए थाईलैंड जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप होटल ही बुक कीजिए। 3,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा होटल वहाँ पे मिल जाएगा। आप कोई भी अकोमोडेशन प्रेफर कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि आप रिव्यू सारे अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे जाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी एक्सचेंज। कहाँ जाके एक्सचेंज करनी चाहिए, इंडिया से ही करके जानी है या फिर आपको थाईलैंड जाके करनी है? सो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ से ही करके जाइए। मैंने जिस रेट में कन्वर्ट किया था वो था 2.27। करेंसी एक्सचेंज करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, थॉमस कुक से करा सकते हो। थॉमस कुक जो है वो काफी ज्यादा फेमस है करेंसी एक्सचेंज के लिए। मैंने लोकल फॉरेक्स एजेंट से करवाया था, उसने मुझे बोला कि 2.32 का रेट है, तो मैंने उसको ऐसे ही
नहीं बोलेगी नहीं आपने तो मुझे फोन पे बोला था 2.27 का रेट है जो कि गूगल में दिखा रहा था, तो उसने मान लिया और उसने दे दिया हम लोग को वही रेट में, तो थोड़ा सा हमारा वहाँ पे फायदा हो गया। कैश लेके जाना है या फिर कार्ड प्रेफर करना है, ट्रैवलर्स कार्ड भी आता है इंटरनेशनल, किधर किधर जब आप स्वाइप कराते हो वहाँ पे थाईलैंड में तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट लगता है, तो क्यों इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करने का, आप यहीं से कैश में कन्वर्ट करके लेके जा सकते हो। वीज़ा के लिए आपको 10,000 थाई बात पर पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहीं पे काफ़ी लोगों का गलती होता है, ये चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं वो लोग और उनको वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज़ है इंश्योरेंस। दो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, $50,000 का अराउंड 500 के आसपास आ जाता है और 1,00,000 का आसपास 700-800 के आसपास आ जाता है, इजीली ऑनलाइन निकल जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको पासपोर्ट का नंबर चाहिए। इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं बट आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि पूछेंगे ही। और रिसेंटली जो दो इंडियंस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो इसी रीज़न से हुआ था क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं यहाँ से वीज़ा प्रोसेस के लिए, फोटोग्राफ्स क्लिक करके लेके जाने हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए और उसका साइज 4x6 होना चाहिए। वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल है काफ़ी सारे काउंटर्स बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फ्लाइट टिकट्स की हार्ड कॉपीज लेके जानी है, जहाँ जहाँ पे होटल बुकिंग्स है उसका आपको हार्ड कॉपीज लेके जाना है प्रिंट करके। इंश्योरेंस आपने जो निकाला है उसका भी हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपको लेके जाना है। मैं ये करती हूँ पर्सनली, तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, जितने भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिस्ट है प्रिंट निकालती हूँ सारे लगेज में, हैंडबैग में भी मैं वो रखती हूँ, या फिर ऐसा एक डायरी आप कैरी कर सकते हो, उसमें भी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हो ताकि इनकेस अगर कुछ होता है वो लोग आपके फैमिली को या फिर फ्रेंड को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। लास्ट 3 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप साथ में कैरी कीजिए। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि वीज़ा प्रोसेस में क्या होता है और एग्जैक्टली क्या करना है। काफ़ी सारे लोगों को टेंशन भी आता है कि वीज़ा में क्या होगा, कुछ पूछते हैं क्या, तो मेरे को ये बताना है कि कुछ भी नहीं पूछते वहाँ पे। वहाँ पे फ्लाइट में आपको एक फॉर्म देंगे छोटा सा जो आपको फिलअप करना है, फिर जब भी आप वीज़ा काउंटर पे जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स रखे रहेंगे, वो आपको फिलअप करना है, वो फॉर्म में आपको फ़ोटो अपना स्टिक करना है। उसमें बेसिकली यही सब रहता है कि आपका फ़्लाइट कौन सा था, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाले हो, कहाँ पे रुके हो। एक्चुअल में अक्टूबर 2019 तक वीज़ा फ्री था थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल, बट अभी उन्होंने वो चीज़ एक्सटेंड करके अप्रैल 2020 तक किया है, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है। इसी रीज़न से वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग जा रहे हैं और बहुत बड़ा लाइन होता है वीज़ा के लिए। दूसरा एक उन्होंने सर्विस स्टार्ट किया है एक्सप्रेस वीज़ा, 200 थाई बात पे करना है तो आपका विद इन हाफ एन आवर आपका वीज़ा आ जाएगा, तो हमने वही किया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन था तो आराम से 3-4 घंटे लग जाते थे, तो आप भी सेम कर सकते हो। और अगर आपको स्पेंड नहीं करना, आप बहुत ज़्यादा टाइट बजट में जा रहे हो, तो आप कम्प्लीटली फ्री वीज़ा के लिए भी रुक सकते हो लाइन में। सो वहाँ पे वीज़ा जो है वो आपको 15 डेज के लिए मिलता है, तो आपको मैक्सिमम 15 डेज का प्लान कर सकते हो थाईलैंड का ट्रिप। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिम कार्ड। आप जैसे ही लैंड करोगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने बाय किया था DTAC का, उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेनली हमने इंटरनेट पैकेज बाय किया था जिसमें 1 GB पर डे था और सर्टेन मिनट्स का कॉलिंग था। हमें कुछ पड़ा था वो 700 रुपये के आसपास, और वही सेम चीज़ अगर आप इंडियन एयरपोर्ट पे बाय करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा थोड़ा, अराउंड 1,000 से 1,200 के बीच में। ऑलरेडी जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, आप उसमें इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट यहाँ से करके जाइए। उसका रीज़न ये है, वहाँ पे चलने वाले ऐप्स है जो आपको यूज़ आ सकते हैं ट्रिप में, जैसे कि ग्रैब कार का ऐप है। जब भी रजिस्टर करने जाओगे तो आपके मोबाइल नंबर पे वो OTP आएगा ही नहीं, बट अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग आपके इंडियन सिम कार्ड पे एक्टिवेट किया है तो उसमें OTP इजीली आ सकता है। आप उस नंबर पे ये सारे ऐप रजिस्टर कर सकते हो। ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको प्लानिंग और बजटिंग के लिए हेल्प करेंगे आपके थाईलैंड ट्रिप में। तो हमारा जो टोटल खर्चा है वो 50,000 पर पर्सन आया था, 50,000 रुपीज़, जिसमें हमारा फ्लाइट टिकट्स मतलब 3 फ्लाइट टिकट्स हमने बुक किए थे, मुंबई टू फुकेट, फुकेट टू बैंकॉक और बैंकॉक टू मुंबई, स्टे, आइलैंड के ट्रिप्स थे वो, फूड और शॉपिंग, ये सारी चीज़ें 50,000 पर पर्सन में हो गई थी। तो 50,000 रुपीज़ में आप बहुत अच्छे से थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हो, और 50,000 में तो मेरा शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। एक्चुअल में खर्चा हमारा 42,000 के ऊपर हुआ नहीं है। सो गाइज,
वेट मत कीजिए, जल्दी से प्लान कीजिए क्योंकि वीज़ा भी अप्रैल 2020 तक थाईलैंड का फ्री में है। ये वीडियो के अलावा मैं और दो अलग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। स्पेशली एक जो रहेगा वो फुकेट के लिए डेडिकेटेड रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो पटाया बैंकॉक के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और स्पेशली जो बेल बटन का आइकन है उसको क्लिक कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बताते हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल बटन दबाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट गाइस, बहुत अच्छे से डिटेल में आई होप कवर किया है, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हो, जिसका हैंडल यहाँ पे है। सो बाय बाय गाइस। ये 50,000 रुपीज नहीं, क्या क्या हो रहा है मेरे को, क्या कट करो ना, रिजेक्ट।